अगर आवाम चाहती है कि पूरा पेट्रोल हमें डले, ठीक है, उसका ये है तरीका कि पेट्रोल अगर आवाम डलवाती है तो क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे पेट्रोल डलवाए? ये P1, P2, P3 ये इन्होंने खुद किया होता है, ठीक है, ये बटन है वो P3 दबा देते हैं। P3 का मतलब ये सेटअप है 300 का। अच्छा। इसमें से आपको समझे कि 30 रुपए का चूना लग गया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने वाले हो जाएं होशियार। पेट्रोल पंप वाले कैसे टांका लगाते हैं, 300 के पेट्रोल में 30 रुपए का या 20 रुपए का टांका कैसे लगाते हैं, आज ये भाई सारी हकीकत बताएगा। इस मशीन में सेटिंग होती है और सेटिंग किस तरह करते हैं सारी हकीकत बताएगा, और ये मैसेज ज़रूर देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। अच्छा, ये पेट्रोल पंप जो होते हैं, कोई कोई पेट्रोल पंप होते हैं PSO लगा लो, शेल लगा लो, उसमें जो लड़के काम कर रहे होते हैं वो टांका लगाते हैं 20-30 रुपए का, साथ में मैनेजर भी मिला होता है, वो क्या तरीकाकार होता है, जरा आवाम को बताएं। वो होता है इनका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा। जो इस मशीन के अंदर लगा होता है, ठीक है, वो मशीन के अंदर सेटअप किया होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है उनका छोटा सा, ठीक है, वो लगाया होता है उन्होंने पीछे से ही, ठीक है। अगर आवाम चाहती है कि पूरा पेट्रोल हमें डले, ठीक है, उसका ये है तरीका कि आप 5-10 रुपए ज़्यादा या 5-10 रुपए कम रख के पेट्रोल डलवाएं। अब जैसे कि आजकल पेट्रोल जो है ना 284 रुपए लीटर है, बिल्कुल, ठीक है, तो आवाम ज़्यादातर 300 का डलवाती है, बिल्कुल, या 300 का या 200 का, ये फिगर होता है 100, 200, 300, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो इसमें कितनी टंडी टांका लगा? ये तकरीबन 20-25 रुपए का टांका लगता है, ठीक है, पेट्रोल उनको इतना ही सेटिंग करते हैं बटनों के साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, तो आवाम को कैसे डलवाना है, मतलब कि पेट्रोल अगर आवाम डलवाती है तो क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसे पेट्रोल डलवाएं? आवाम को चाहिए कि जनाब 10 या 20 रुपए कम रख के पेट्रोल डलवाया जाए, ठीक है, लीटर पूरा डलवाएं, 300 का ना डलवाएं। अच्छा, ये जो फिगर है जी, ये P1, P2, P3 ये इन्होंने खुद किया होता है, ठीक है, ये बटन है इनका, मतलब है कि इन्होंने सेटअप किया है पहले ही, ठीक है, ऊपर से ये मशीन का सॉफ्टवेयर है, जो उधर से इधर से आप बटन दबाएंगे, ठीक है, पेट्रोल पूरा डलेगा, ठीक है, ऊपर से पीछे से सॉफ्टवेयर ऐसा पेट्रोल डालेंगे, पता चलेगा कि पेट्रोल डल रहा है, पूरा डल रहा है, पूरा आएगा, बिल्कुल ऐसे ही, अगर 300 आएगा जी ऐसे ही, लेकिन 30 रुपए का काम होगा, 30 रुपए का काम। अच्छा, हम अक्सर पेट्रोल डलवाते हैं पेट्रोल पंप से, मतलब कि 300 देते हैं, कहते हैं भाई 300 का डाल दो, वो P3 दबा देते हैं, P3 का मतलब ये सेटअप है 300 का। अच्छा। इसमें से आपको समझे कि 30 रुपए का चूना लग गया, चूना लग गया, बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया। तो अब अगर आपने डालना है पूरा लीटर, तो लीटर वाला वो L प्रेस करते हैं जी, ऐसे ही है, तो इसमें होता है टांका? नहीं, इसमें नहीं होता। अच्छा, या लीटर पूरा, लीटर पूरा डलवाए, ठीक है, उधर से या न्यूट्रल रख के डलवाए, ठीक है, पेट्रोल उनको कहे न्यूट्रल रख के लीटर पेट्रोल डाल दो, न्यूट्रल रख के जी, बिल्कुल ऐसे, या डायरेक्ट डाल दो, प्रेस ना करो, प्रेस ना करो, बस डायरेक्ट प्रेस करोगे तो समझो सॉफ्टवेयर कटा, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने हर मशीन में अलग अलग सॉफ्टवेयर किया होता है जी, ऐसा ही है, हर पंप का अपना हिसाब है, हर पंप का अपना हिसाब, बिल्कुल ऐसे। एक लीटर में तकरीबन कोई 30 रुपए टांका लगाते हैं जी, 25-30 रुपए लग जाता है। तो नाजरीन, इस भाई ने सारी हकीकत बता दी कि काफ़ी जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो आपको चूना कैसे लगाते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं लड़के, वो 30 रुपए का या 40 रुपए का आपको टांका लाजमी लगाते हैं। अगर आप 300 का पेट्रोल डलवाते हैं तो वो P3 दबाते हैं, तो P3 में उन्होंने सेटिंग की होती है बकायदा, वो पूरा पेट्रोल नहीं होता। अगर आपने 300 का डलवाना है तो फिर 310 का डलवा लें, या 290 का डलवा लें, या पूरा लीटर डलवा लें, या फिर उनको कहे कि भाई बटन प्रेस ना करें, डायरेक्ट डाल दें, ऐसे ही है जी, बिल्कुल, फिर पूरा डलेगा जी, ऐसे ही। तो ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप, पेट्रोल वैसे भी बहुत महंगा है, 284 रुपये लीटर है पेट्रोल, तो अगर 30 रुपए का गपला होता है एक लीटर पे, तो तकरीबन 1000 लीटर वो बेचते हैं, 1000 से भी ज़्यादा बेच देते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, पेट्रोल तो कम से कम हज़ारों रुपए की, हज़ारों रुपए के जाते हैं, मैनेजर तक मिला होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस भाई ने सारी हकीकत बता दी, क्योंकि ये भाई पेट्रोल पम्प में काम कर चुका है पहले, तो इसलिए इसको सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आपने हकीकत बता दी। आपने कभी गपला किया है पेट्रोल पम्प में या नहीं? किधर आप जॉब करते थे, काम करते थे? उधर तो सारा ही सारी बात है होता था। तनख्वाह किधर से लेनी है आपने? तनख्वाह कितनी होती है? 15-16 हज़ार रुपया बस, इसलिए वो कम होती है, तो ऊपर से वो लगाते हैं, सारी बात है, फिर ऐसे ही उन्होंने करना है, और क्या करे, 16,000 तनख्वाह होती है, तो फिर जाहिर सी बात है डंडी तो लगानी पड़ती है। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितनी आवाम है जो पेट्रोल डलवाती है उस तक ये मैसेज पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।